क्लास आज आप लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपको पिछले क्लास में भी बतलाए थे कि लैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न लिंग भाग लेता है और ये भिन्न लिंग एक नर है और एक मादा है। इस क्रिया में दो चरण शामिल है, एक है युग्मक का निर्माण और दूसरा है युग्मक का संलयन। तो पहली प्रक्रिया में नर जो है वह नर युग्मक का निर्माण करता है और मादा जो है वह मादा युग्मक का निर्माण करता है। जब जीव में परिपक्वता आ जाती है यानी वह वृद्धि कर लेता है, पूर्ण रूपे जब वृद्धि कर लेता है और उसमें जनन करने की क्षमता हो जाती है तो नरयुग्मक का निर्माण होता है। ये नरयुग्मक आकार में छोटा होता है मादा की अपेक्षा के, लेकिन यह सचल होता है यानी कि इसमें गति होती है और मादा युग्मक नरयुग्मक से बड़ा होता है परंतु यह अचल होता है, इसमें गति नहीं होती। आप नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे नरयुग्मक को ना स्पर्म कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु। देखिए आपको आकृति भी दिखला दिए हैं। स्पर्म में पूंछ जैसी रचना होती है यह गति करता है, लेकिन अंडाणु जो है यह अंडाकार रचना है, ये गोलाकार रचना है और इसमें गति नहीं होती, यह अचल होता है। तो युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक के निर्माण के बाद युग्मक का संलयन होता है यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है। ये क्रिया कहलाती है निषेचन और निषेचन के पश्चात जिस नई कोशिका का निर्माण होता है ये कोशिका कहलाता है युग्मनस। युग्मक को ना बोलते हैं अंग्रेजी में गैमेट, युग्मक, और युग्मनस कहलाता है जायगोट। जब युग्मनस बन गया तो फिर इसमें विभेदन की क्रिया होती है, विभाजन होता है क्योंकि ये कोशिकीय संरचना है और तब इसी से भ्रूण का निर्माण होता है एम्ब्रियो और भ्रूण विकसित होकर एक जीव का रूप ले लेता है। इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। ये अधिकांशतया लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वह बहुकोशिकीय पादप में और बहुकोशिकीय जंतु में प्रायः पाई जाती है, लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के जीव हैं जैसे पैरामीशियम है। पैरामीशियम में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, दो पैरामीशियम एक दूसरे के संपर्क में आता है और यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है। ये कंजुगेशन ट्यूब बना करके संयुग्मन नली का निर्माण करके, जिसके बारे में ना आप आगे की क्लास में जानेंगे। और कुछ शैवाल है उसमें भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और लिंग के आधार पर जीव को दो भाग में बांट दिया गया कि कुछ जीव जो है एक लिंगी होता है और कुछ जीव जो है द्विलिंगी। एक लिंगी को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका अर्थ हुआ कि नर और मादा जो है वह अलग अलग जीव में होगा। यह है एक लिंगी, नर अलग और मादा अलग होगा। आप देखे होंगे पपीता का पेड़, तार का पेड़, नर और मादा अलग अलग होता है, तारबूज में भी होता है। तो पपीता में आप देखे होंगे किसी किसी पपीता में ना फल नहीं लगता, इसका मतलब वो नर है इसलिए उसमें फल